बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे पर्सन हैं जिनको व्हाट्सएप पे अभी तक अकाउंट बनाना नहीं आता है। अब कल ही की बात है, एक लड़का ने मोबाइल नंबर डाला, उसको फंस गया था। अब वो मोबाइल को स्विच ऑफ कर रहा था, स्विच ऑन कर रहा था, और उसका जो है लग रहा था जैसे हैंग हो गया है, काम ही नहीं कर रहा है। तो ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा रॉन्ग नंबर का, तो वो जो है वहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा था। ठीक है, तो मैं सोचा कि चलिए मैं इस पर एक वीडियो बना देता हूँ, जिससे अगर कोई पर्सन को अगर व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाने नहीं आता है तो वो किस तरीके से व्हाट्सएप पे नया अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं बताऊँगा किस तरीके से व्हाट्सएप पे आप अपना नया अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट्सएप पे अपना आईडी बनाने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर में आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर डालेंगे व्हाट्सएप और आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं पहले से कर रखा हूँ तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिख रहा है। तो डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा एग्री एंड कंटिन्यू का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आप जो भी देश से हैं वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे आप इंडिया से हैं तो इंडिया चूज कर लेंगे, अगर आप कोई भी कंट्री से हैं तो वो आपको यहाँ पे अपने कंट्री का चूज कर लेना है। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ इंडिया चूज कर लूँगा। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है, तो यहाँ पर देखिए आपका कोड आ चुका है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। तो जो भी मोबाइल नंबर डालेंगे वो चलता अवस्था में होना चाहिए, डेड नहीं होना चाहिए। तो अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर देखिए कनेक्टिंग स्टार्ट हो गया है, आपको कुछ वेयर करना है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपके पास ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ पर ओके वाले पर क्लिक कर देंगे। जिसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का OTP गया होगा, वो OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। अगर नहीं करता है तो यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर कॉलिंग का ऑप्शन है, अगर आपका मैसेज नहीं आता है तो कॉलिंग का ऑप्शन था, वहाँ से कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कंटिन्यू वाले पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ परमिशन बोला देने के लिए, तो परमिशन को अलाउ कर देंगे इस तरीके से। परमिशन अलाउ करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि लॉगिन फॉर बैकअप का ऑप्शन आ चुका है। चलिए मैं यहाँ से इसको स्किप कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए कि आपको कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ चुका है। तो आप अकाउंट बनाए रहिएगा पहले से तो आपको यहाँ पर पूरा ओपन होके आ जाएगा फोटो वगैरह, अगर नहीं बनाए रहेंगे तो यहाँ पे खाली रहेगा, यहाँ पे आपको फ़ोटो डाल देना है। तो पहले यहाँ पे आप कुछ टाइप योर नेम लिख दीजिए, तो चलिए मैं लिख देता हूँ हे, या अपना नाम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ इमेजेस है, इस पर क्लिक करके आप इमेजेस भी आप इसमें से लगा सकते हैं। इसमें आपको ढेर सारा इमेजेस मिल जाता है, तो आप जो भी लगाना चाहते हैं इसमें से आप लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये लगा दूँ। यहाँ पर देख रहे हैं कि ERR लिखा हुआ है, तो मैं पहले से अकाउंट बना रखा हूँ तो यहाँ पर ERR का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरीके से ID बनाया जाता है व्हाट्सएप पे। तो यहाँ जो आप पहली बार बना रहे होंगे तो यहाँ पर आपको जो ब्लैंक रहेगा खाली रहेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए गैलरी से भी फोटो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं चूज करके, या कैमरा पर क्लिक करके कैमरा से फोटो खींच के भी अपलोड कर सकते हैं। क्लिक करेंगे और जो भी आप फोटो अपलोड करना चाहते हैं आपको फोटो इसमें ढेर सारा आ जाएगा। जो भी फोटो आप लगाना चाहते हैं आप फोटो लगा सकते हैं। यहाँ मैं फोटो वाले पर क्लिक, और जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ढेर सारा फोटो इस तरीके से फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे, और फोटो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट हो चुका है और यहाँ पर ये फोटो आपका आ जाएगा। आप फोटो हटा बढ़ा लेंगे, यहाँ डन वाले पर क्लिक कर दें। डन वाले पर क्लिक करते देखिए यहाँ पर आपका फोटो आ चुका है। यहाँ नेक्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ आपको वेट करना है, बस 5 से 10 सेकंड वेट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो है अकाउंट यहाँ पे आपका ओपन होके आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग ये चल रहा है, यहाँ पे देखिए आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। यहाँ देखिए स्टार्ट है चैट, यहाँ से आप चैट कर सकते हैं। तो इस वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना चैट कर सकते हैं, जिससे भी आप चैट करना चाहते हैं इस तरीके पर क्लिक करेंगे। और इस क्लिक करने के बाद आप जिससे भी बात करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैसेज लिखेंगे हाय, और यहाँ पर सेंड करेंगे। सो इस तरीके से यहाँ पर देखिए कि मैसेज ये जा चुका है। सो गाइस, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आप व्हाट्सएप पर अपना अकाउंट बना सकते हैं, आप किसी से भी चैट कर सकते हैं। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।